एवरीवन, तो यार आयुष से तो मैं प्यार करती हूँ, लेकिन अब तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। और मैं चाहती हूँ ना कि ये जो कुछ भी हमारे बीच में चल रहा है ये सब साइड हटे और मैं उसे बताऊँ कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेबी आई लव यू। अरे वाह यार, आज मेरे को प्रपोज कर रही है। तुम हक भी नहीं करोगे यार, सब कुछ मैं ही करती हूँ, तुम इतना भी क्या गुस्सा हो मुझसे? अरे मुझे पता है ना कि अभी पहले प्रपोज करेगी, फिर कुछ ना कुछ नया ड्रामा होगा, फिर मेरा दिल तोड़ देगी फिर से। तुम फिर से यही सारी बातें कर रहे हो? तो यही हो ही रहा है इतने दिनों से, और हो क्या रहा है ये बता। आयुष तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ? तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे बिना खुश हूँ? देखो मुझे सब पता है कि तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो और आई अप्रिशिएट दैट, बट तुम ये नहीं समझ रहे हो ना कि मैं भी सेम चीजें फील करती हूँ तुम्हारे लिए। तू नहीं करती यार, इसीलिए तू हमेशा ये कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है। यार वो मैं करती नहीं हूँ, वो खुद ही हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि जब तुम मेरे आसपास नहीं होते ना, या तुम्हारा कॉल या मैसेज नहीं आ रहा होता, तो मुझे ना ऐसे अंदर से रोने का मन होता है, जैसे चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। यार तुझे ना इतनी सी मेरी केयर नहीं है, समझ रही है तुम? आयुष क्यों कह रहे हो ऐसा? नहीं है यार, मेरे को पता है ना, मैं जो इतने दिनों से घुट घुट के जी रहा हूँ, डिप्रेशन में जी रहा हूँ, वो मेरे को पता है ना, किसी को नहीं पता यार वो। आयुष मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया है, पर सबसे ज्यादा प्यार भी तो मैं ही करती हूँ। नहीं करती यार सबसे ज्यादा प्यार कर रही होती ना, तो आज हम दोनों के बीच में ये सिचुएशन नहीं बननी होती, समझ रही है? यार देखो हमारे हाथों में हमेशा सब कुछ नहीं होता है, पर अब जो हो गया सो हो गया। नहीं यार ये तो बिल्कुल गलत कह रही है, हमारे हाथों में ही होता है चीजों को बनाना और चीजों को बिगाड़ना। मुझसे गलती हो गई है, प्लीज, मतलब मैं चाहती हूँ कि यार तू अपना पहले तो ही बुके पकड़। मेरे को ना अच्छा लगा काफी की, मतलब इतने दिनों बाद मेरे फेस पे थोड़ी स्माइल सी। तुम मेरे बुके रिटर्न कर रहे हो? नहीं रिटर्न नहीं कर रहा मैं, पकड़ने के लिए बोल। प्यार क्यों नहीं करते? मैं प्यार ये तुम्हारे लिए, तुम मैं प्यार करता हूँ तेरे से। कितने प्यारे लग रहे हो तुम ना, मुझे बिल्कुल रोज की तरह लगते हो। वाह बहुत अच्छी बात है, यही सारी बातें बोल बोल के तो तूने ये सब कर दिया है। आयुष तुम पागल हो, तुम्हें पता? देखो हम सबके ना फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? अरे यार मेरे भी फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स तो कभी तेरे को कॉल करके नहीं बोलते, कभी तेरे को मैसेज करके नहीं बोलते, या फिर बोलते कभी नहीं। देखो तो फिर तुम ये बात समझो कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, मुझे तुम्हारे अलावा। ये बात तू समझ यार, मैं बोल रहा हूँ ये चीज तेरे लिए, कि इस बात को तू समझ कि मेरा तेरे बिना कोई नहीं है, तू है सिर्फ, तो फिर पहला और आखिरी सिर्फ और सिर्फ तू है। अगर तू रहेगी ना मेरी जिंदगी में तो ही मैं सब कुछ हूँ, अगर नहीं रहेगी ना तो फिर मैं पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल जी नहीं पाऊंगा मैं ढंग से, समझ रही है? यार मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत ज्यादा कदर करती हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम नहीं करती कदर। यार किसने बोला तुमसे मैं नहीं करती? मैं जो हूँ ना, मैं इस तरीके का बंदा हूँ ना कि मेरे को किसी की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जो मेरे को यहाँ से लग जाती है ना, वो चीज लग जाती है। मैं सब कुछ दोबारा से फिक्स करना चाहती हूँ। आयुष हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तुझे आज एक बात बताऊँ, जब से हमारा रिलेशन हुआ है ना, इस फोन में मेरे से ज्यादा फोटो तेरी है, समझ रही है? बट तू इस बात को नहीं समझेगी यार कि मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ, तेरे लिए क्या फील करता हूँ, क्या रात रात भर सोचता हूँ तेरे बारे में कि यार कहीं ना कहीं वो मेरे से प्यार करे। लेकिन तू यार हमेशा मेरे को हर्ट करती है यार। मैं करती हूँ यार, तुम देख नहीं पाते, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी और के बारे में सोचती भी नहीं यार। मेरे को ऐसा लगता है ना कभी कभी कि शायद मेरी तरफ से ही कोई गलती हो गई होगी जो तुम मेरे को कुछ नहीं कर पाती। आयुष यार तो मैं कैसे समझाऊं, तुम ही हो मेरे लिए सब कुछ, प्लीज आयुष। तुझे आज एक बात बताऊं, मेरा पहला प्यार जो है ना वो तू है, समझ रही है? और मैं आज दिन तक मैंने किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आयुष जब तू किसी से बात करती है ना, पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। आयुष यार देख, मैं ना बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ, तू मजाक मत कर आज मेरे से, ठीक है ना? मेरी फीलिंग्स को समझ ले। आई लव यू, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई भी नहीं चाहिए यार। ऐसे आई लव यू का क्या है यार जो दो दिन बाद फिर से आई हेट यू में बदल जाए। तुम अपनी चीजें समझ रहे हो, मुझे भी तो समझो ना यार। मेरे को यार कुछ लेना देना नहीं है कि मतलब तू अपने फ्रेंड से बात करे किसी से, यार तेरे को भी तो फ्रीडम चाहिए ना थोड़ी सी, है कि नहीं? बट यार तेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ ना, तू प्यार करेगी मुझसे करेगी ना, तेरे को कोई दिक्कत होगी नीड होगी तो मेरे से आकर बोलेगी ना। जब तू किसी दूसरे लड़के से बात करती है ना तो मेरा ऐसा मन करता है कि बस अब मैं कुछ कर ही दूं अच्छे से, समझ रही है ना? अब मेरा कुछ भी नहीं होगा पक्का, कुछ भी नहीं, समझ रही है ना क्या बोल रही है? हाँ पक्का पक्का।
एक मेरी साइड से ना तेरे लिए ना इतना प्यार है ना कि मतलब कोई लड़की ना ख्यालों में भी नहीं आती यार, पता है तेरे को। बट यार तू ना मेरी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाती है कभी, मतलब या फिर मैं एक्सप्रेस करने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं सब समझती हूँ, अब मुझे फटाफट से आई लव यू बोलो, बोलो आई लव यू, आई लव यू मोर। हाय, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी। मैंने दे दिया, क्या हो गया? चले चलो अब डेट पे लेके चलो मुझे, चलो आ जाओ डेट पे। यार फाइनली आयुष ना मान गया है, अब मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना कि अब हम दोनों के बीच में वो थोड़ी बहुत नोकझोंक नहीं होगी, सब सॉर्टेड है। और यार मैं ना उसे बिल्कुल ही बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हर्ट नहीं करना चाहती, अब ना मैं उसे बहुत खुश रखूंगी।